आइए सचिन जी भी है तैयार। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका धन्योग शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए मार्केट में, एंड यहाँ पर मैं दो अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करना चाहूँगा। एक होगा ऑन द लॉन्ग साइड, मुझे लग रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑनगोइंग थी, वहाँ से इसने इस हफ्ते में काफ़ी शानदार रनअप दिखाया है। बट वीकली चार्ट पे अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, लगभग 88-90 के आसपास के स्विंग्स बनने की तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 82 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली भी नजर आ रही है, एक अच्छा सेक्टर रोटेशन पिछले कुछ दिनों से नजर आ ही रहा है। एंड वहां पर मुझे लग रहा है आदित्य बिरला फैशन में जिस तरीके से कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन हुआ था 325 जोन के आसपास, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो लगभग अराउंड 320 तक आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 326 पे लगाना है। अराउंड द लोअर साइड 305 तक की एक स्विंग बन सकती है अगले कुछ दिनों में। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है IDFC फर्स्ट बैंक में एंड बिकवाली करनी है ABFRL में। एवी फैशन यहाँ पर करें बिकवाली बट खरीदारी करके चलें IDFC फर्स्ट बैंक, जो कल भी हमारे एक्सपर्ट्स पर रेडार पर था और जैसा अंजी कह भी रहे हैं आपको, प्राइवेट बैंक्स स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख सकती है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, सचिन जी इस पर आपसे राय लेनी है, कल बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, नाम जो सामने है अच्छे फंड्स हैं, खरीदारी करिए। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर्स खरीदे हैं, BNP पारिबा ने भी शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं, बट कल 6.5% नीचे था, 800 के नीचे बंद हुआ। अब PNB हाउसिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर? दीपांशु, सर्टनली अपने काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो लगभग अराउंड 4770 के आसपास का है। बट जिस तरीके से वीकली मंथली चार्ट प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में लॉक्ड इन रहा है। अराउंड 820-825 के आसपास इसे काफ़ी सारा सप्लाई प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, एंड नीचे लगभग अराउंड 700 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़े और हफ्ते निकाल सकता है एक पर्टिकुलर काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से उसे होल्ड करें। अगर 770 का लेवल टूट जाता है देन ज़्यादा चांसेस है कि वापस एक बार स्टॉक 700 के आसपास का एक स्विंग दिखाए। है PNB हाउसिंग पर सचिन जी की राय। आइए आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTST का। ये सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, इस हफ्ते में काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हमने शॉर्ट कॉल्स भी दिए हैं, स्पेशली फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। यहाँ पे ऑलरेडी सुमित ने वापस टाटा मोटर्स को कवर किया, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी वीकनेस बरकरार रहेगी। बट यहाँ पर कुछ स्टॉपिंग के सिग्नल आ रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के काउंटर में। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर 3300 के आसपास सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, एंड जिस तरीके से इसके RSI में ब्रेकडाउन हुआ है तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एक्शन में भी काफी बड़ी गिरावट अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3308 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3200 का, बट पोजिशन ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3080 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। ओके 3080 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करें बालकृष्णा में। तो ऑटोज में वीकनेस है, टाटा मोटर सुमित जी की सेल कॉल और बालकृष्णा सचिन जी की। आइए देख आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। जी सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी IRCTC के काउंटर में। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है तो स्टॉप लॉस आपको 1015 पे ही लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि एक काफी अच्छी तेजी बन जाए ड्यूरिंग द डे 1070 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर इमिडिएटली लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा लगभग अराउंड 1105 का, इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 1070 का। खरीदारी करनी है IRCTC के फ्यूचर्स में। ओके तो आई लेटर स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन हो रहा है। अभी इन्फो एज पर वागले साहब की राय आई थी, IRCTC पर राय सचिन जी की तरफ से आ रही है। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल है BTST का। बताएं सर।
दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड हो रही है एंड 1400 के आसपास का एक हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1440 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1485 का। खरीदारी करनी है पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1405 के आसपास प्लेस करना है। 1485 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर आपको रखनी है नजर। लंबे समय बाद ये स्टॉक भी अब रिकमेंडेशन लिस्ट पर आते हुए दिख रहा है आज के रोटेशन में, ये इससे भी आ सिद्धार्थ रहा है। से सचिन जी से पूछे, सचिन जी इज दिस वन डे वंडर ओनली ऑन फ्राइडे या मंडे भी चलेगा ये? ट्रेंड तो काफी सुधरी हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्तों से 3 हफ्तों से जिस तरीके से अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की चाल है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा सुधार यहाँ पर नजर आ सकता है। इनफैक्ट पोजिशनली भी एक अच्छे डिमांड जोन के आसपास डबल बॉटम बनाने का प्रयास हो रहा है, जिसका कंफर्मेशन लगभग अराउंड 1480 के ऊपर मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबी जर्नी होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ से। ये है राय आपके लिए। आइए देखते हैं सचिन जी ने क्या स्पॉट किया है बिगुल इनके लिए भी बीटीएसटी का। मजा आया सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है इंडिगो के काउंटर में। इंडिगो में भी पिछले 6 दिनों का ट्रेंड अगर हम देखें तो एक लोअर टॉप सीक्वेंस थी, बट जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया है एंड कल का हाई इसने अभी निकाला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड होगी। स्टॉप लॉस जो डेज लो के आसपास का लेवल है, मुझे लग रहा है वहीं पे प्लेस करना चाहिए, लगभग अराउंड 42-30 के आसपास का, 42-40 के आसपास का। एंड ऊपर मुझे लग रहा है लगभग हेडरूम अवेलेबल है 44-40 तक की। तो खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। इंडिगो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और अब ढेर सारे सवाल हैं उनके जवाब हम लेंगे रिदम सर से थोड़ी देर में। वो जुड़ने वाले हैं, वो बस इस 10:30 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेकिन 11 बजे भी आप हमारे साथ जुड़िएगा। विशेष जो है निवेश योगा से होगा। यस सर। तो किस तरह से योग और योग को आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और योग आपको वेल्थ हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बनाने में कर सकता है मदद, इस पर भी 11 बजे हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है मेरे और नेहा के साथ। मिस मत कीजिएगा, ये भी एक बढ़िया शो है, आप देखिएगा जरूर। तो ये 2 शो हैं फिलहाल। मैं सोचा कि दीप, क्योंकि रिदम देसाई के साथ साथ के साथ हमें शो करना ही है जी, तो जल्दी से हम एक ब्रेक ले लेते हैं। यस सर, बिल्कुल। ब्रेक के बाद रिदम देसाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। छोटे से ब्रेक का है वक्त।